So write down, you have to calculate the standard enthalpy of the reaction. स्टैंडर्ड है तो देखना है हमने कोई चीज अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो उनको हमने जीरो मार्क करना है. ओके दिस इज गैशियस, इट कार्बन इन द गैशियस स्टेट प्लस टू हाइड्रोजन प्लस टू सीएल इन द गैशियस. चलिए आपको एवरेज एंथैल्पीज दी हुई है सीएच बॉन्ड की. द बॉन्ड एंथैल्पीज फॉर द सीएच बॉन्ड इज 414 किलोजाउल पर मोल एंड सिमिलरली फॉर सीसीएल बॉन्ड दैट इज 330. चलिए आंसर निकालो. स्टैंडर्ड एंथैल्पीज मैंने कल आपको बताई थी कि समेशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट साइड एक आपका सी एच बॉन्ड है और एक सी सी एल बॉन्ड है, उन दोनों को आपने काउंट करना है. चलिए बेटा आंसर निकालो जल्दी. Do the numerical and give me the answer. So what we have to do is हमारे पास दो सी एच बॉन्ड है और दो सी सी एल बॉन्ड है, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे आ जाएंगे. ओके दैट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. माइनस हम कर देंगे जीरो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी चीजें अपनी एलिमेंटल स्टेट में है उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं. तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सारे एलिमेंटल स्टेट में हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट. ओके तो आपने सिर्फ ये निकालना है 414 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 330. व्हाट इज द आंसर? यस व्हाट इज द आंसर बेटा? आंसर बताइए प्लस करके कितना आएगा. सो दैट इज 1488. थैंक यू रमनजीत. So that is 1 4. So for the standard enthalpy of the reaction, हम क्या करते हैं? We do the summation of all the bond energies of the reactant minus product. So reactant हमारे पास ये है और reactant में हमारे पास दो CH bond है और दो CCl bond है. तो 2 into for the CH bond plus 2 into for the CCl bond. उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रोडक्ट्स की. प्रोडक्ट अगर आप देखो तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हैं. कार्बन अकेला है एलिमेंटल स्टेट में, H2 नहीं है, हाइड्रोजन है अकेला, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. अगेन Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में Cl लिखा हुआ है. तो अगर आपने इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज लेनी होती हैं तो एलिमेंटल स्टेट में इनकी एंथैल्पीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं. सो दैट्स व्हाई दीस ऑल थ्री टर्म्स आई हैव रिटन जीरो हियर, उन सारी टर्म्स के लिए. तो बस आपने इसको सॉल्व करना था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Okay, now we are going to do the limitations of first law of thermodynamics. So हम पढ़ के आए हैं first law में कि energy changes जो होते हैं वो सारे conserved है, energy जो है वो loss या gain
अगर होती है तो इक्विवेलेंट मास जो है ठीक है उसका हमारे पास रिकवर हो जाता है. बट हेयर व्हाट द थर्मोडायनेमिक्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लैक वाज अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. ओके टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट सपोज मैंने एक पानी रखा हुआ है बाउल में ठीक है हॉट वाटर आई हैव टेकन हॉट वाटर है वो आपको पता है कि आफ्टर सम टाइम द हॉट वाटर इट विल गेट चेंज इनटू द कोल्ड वाटर राइट. अब सपोज मैंने वाटर जो है वो बाहर सराउंडिंग्स में रखा हुआ है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. यू नो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस प्रोसेस ऑल्सो कि समर्स में जो आपका पानी है वो इजिली इवेपोरेट हो जाता है. बट अगर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑयल मैं रख देती हूँ ओके इफ इंस्टेड ऑफ वाटर आई एम प्लेसिंग एन ऑयल इन दैट कंटेनर और उसको अगर मैं वहां सराउंडिंग्स में रख देती हूँ तो वो जो ऑयल है वो क्यों नहीं इवेपोरेट होता फिर. ओके प्रोसेस तो हमने सेम ही कर रहे हैं हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं चाहे वो वाटर की कर रहे हैं चाहे ऑयल की कर रहे हैं. सिमिलरली हीट फ्लो की बात करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीट जो है वो हमेशा कोल्ड से हॉट बॉडी में जाती है. ओके द हीट फ्लो इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. अब ये इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं है. व्हाई द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. क्यों जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्यों नहीं जाती है राइट. सो दीज एक्चुअली दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट मार्क द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस कि कोई क्यों ऐसे प्रोसेसेस हैं कुछ क्यों ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जो होते हैं और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो नहीं होते हैं. व्हाई दिस. ओके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यही कहते हैं कि सब में एनर्जी चेंजेस होते हैं राइट. बट हाउ द प्रोसेसेस दे आर टेकिंग प्लेस कुछ एनर्जी चेंजेस के साथ होते हैं और कुछ प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होते हैं कुछ क्यों नहीं होते हैं राइट. सो इन ऑर्डर टू दीज एक्सप्लेनेशंस दीज एक्चुअली दे मार्क द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां पर इसने स्पॉन्टेनिटी की कोई प्रोसेस होगा क्यों होगा उसकी क्या एनर्जी चेंजेस होंगे उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा है ये सारी चीजें इस लॉ ने कंसीडर नहीं की. ओके सो अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ. सो इन जनरल वी हैव क्लासिफाइड आवर रिएक्शंस इनटू टू टाइप्स स्पॉन्टेनियस and non-spontaneous. तो इसी context में हमने अपनी reactions को दो parts में divide कर दिया है. हम ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे processes होते हैं that are actually spontaneous और कुछ हमारे processes होते हैं जो spontaneous नहीं होते हैं. Now what is the meaning of spontaneous here? Spontaneous का मतलब अपने आप. ओके दैट एक्चुअली द प्रोसेसेस दैट आर डन बाय इट्स ओन अपने आप हो जाते हैं. अब अपने आप होने में देयर आर टू फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड कि या तो वो अपने आप हो जाए दैट मींस दे डोंट नीड एनी इनिशिएशन उनको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए है वो अपने आप हो जाते हैं राइट. जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस है या रेड फॉस्फोरस है ओके उनका रूम टेम्परेचर पे जो उनका टेम्परेचर होता है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रूम टेम्परेचर. ओके तो वो खुद ही जो है वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं. सो इन द सेम वे यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको इनिशिएशन की भी जरूरत नहीं होती है अपने आप हो जाते हैं. ओके बट देयर आर सम प्रोसेसेस That need some initiation, जिनको कुछ initiation चाहिए okay, जिनको कुछ energy change जो है वो चाहिए so that they considering from the surroundings, ठीक है या हम उसको provide करते हैं. जैसे आपका water है तब तक boil नहीं होगा जब तक आप उसको light नहीं करोगे. okay, wax जो है वो candle की तब तक melt नहीं होगी जब तक आप उस candle को क्या ना करो ignite ना करो. okay राइट अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस तभी होगी जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे. तो करंट पास करवाना ही सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएशन वेयर यू आर एक्चुअली इनिशिएटिंग द प्रोसेस. रेस्ट प्रोसेस जो है वो अपने आप होता जाएगा. ओके नो इनिशिएशन में जैसे आपने पानी में चीनी है घोल दी राइट यू जस्ट पुट सॉल्ट और
शुगर इनटू द वाटर, तो वो बड़े बड़े अपने आप जो है वो घुल जाएगी, राइट? तो देयर आर सम ऑफ द प्रोसेसेस दैट डोंट नीड एनी इनिशिएशन. सो सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस दे आर स्पॉन्टेनियस एंड दे नीड, सम ऑफ द प्रोसेसेस दे डोंट नीड एनी इनिशिएशन एंड सम प्रोसेसेस दे नीड इनिशिएशन. बट देयर आर सम प्रोसेसेस दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कभी भी नहीं होंगे अपने आप, ठीक है? जैसे आप गोल्ड को पानी में रख दो, इफ यू प्लेस गोल्ड इन टू द वॉटर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो गोल्ड है और जो वॉटर है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे. नो, गोल्ड सेपरेट रहेगा, वॉटर सेपरेट रहेगा. ओके, सो दे आर एक्चुअली द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट विल नॉट हैपन वट एवर द कंडीशन आर, राइट? तो वी हैव डिवाइडेड द प्रोसेसेस इनटू टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेन कन्फाइंड टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, क्योंकि हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, एनर्जी कंसिडरेशन से रिलेटेड है, तो जो चीजें होंगी हम उनकी एनर्जी देखेंगे ना फिर. ओके, सो वी विल बी फोकसिंग मेन ऑन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. अब इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में ऐसी क्या चीज है जो इनको, इन रिएक्शंस को कर रही है या इन प्रोसेसेस को फीजिबल बना रही है. ओके, सो व्हाट इज द फोर्स, द मेन फोर्स बिहाइंड द फीजिबिलिटी ऑफ दीज रिएक्शन, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स. समझ रहे हो? यानी कि एक फोर्स है इन सब के बीच में, इन प्रोसेसेस के बीच में, जो उन रिएक्शंस को करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. ओके, सो दैट इज द फोर्स दैट एक्चुअली हेल्प्स फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, कि जो आपका प्रोसेस है, जो आपका रिएक्शन है, वो स्मूथली हो रहा है ओनली ड्यू टू दिस ड्राइविंग फोर्स. ओके, नाउ देयर आर टू मेन फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस ड्राइविंग फोर्स इट बेसिकली डिपेंड्स, या ये ड्राइविंग फोर्स जो है वो कब ऑपरेट होती है. फर्स्टली व्हेन द सिस्टम इट वांट्स टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. नाउ फ्रॉम द लोअर चैप्टर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट? लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी. पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, पैसे ज्यादा हैं तो खुशी के मारे वो झूल लेगा ही, ठीक है? तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? बट इफ इट इज हैविंग मिनिमम एनर्जी, कम पैसे हैं, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी उस फॉर्म से. सो व्हाट इन दिस प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर. द फर्स्ट फैक्टर इज द एक्विजिशन ऑफ द मिनिमम एनर्जी. अब कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो तभी होते हैं जब उनको मिनिमम एनर्जी जो है वो एक्वायर करनी होती है. ओके, नाउ लेट्स टेक टू एग्जांपल्स. अब मैंने स्पॉन्टेनिटी के लिए या लिमिटेशंस में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हॉट बॉडी जो है वो हमेशा हीट ट्रांसफर करती है कोल्ड बॉडी. ओके, द passage or the direction in which the heat is transferred, it is from the hot body to the cold body. But why this doesn't happen ki jo cold body hai wo apni heat de hot body ko? Because hot body is having high temperature, high energy hai. Okay, kinetic energy zyada hai, humne padha hua hai ki zyada temperature zyada kinetic energy hai, to uski stability kam ho jati hai, isiliye wo hot body jo hai wo apni heat liberate karti hai. Okay, and when it becomes cold, जब वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड बॉडी बन जाती है, तो एट दिस टाइम दिस स्टेज ऑफ द कोल्ड बॉडी इज द स्टेज ऑफ मिनिमम एनर्जी, कम एनर्जी वाली स्टेज है. सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज ओनली फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी एंड नॉट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी. ओके, तो कोल्ड बॉडी के पास ऑलरेडी कम एनर्जी है, वो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों अपनी एनर्जी देके अनस्टेबिलिटी एक्वायर करे. ओके, so this is the first reason, the minimum stability, minimum energy ka. Second, agar aap kisi hill ki baat karo, if you see a hill, okay, and here suppose there is a stone ball, kuch bhi hum le lete hain, at this point this ball is having high potential energy, at this point the ball is having high potential energy. Ab same question yahan se hai कि जो बॉल ऊपर होगी वही हमेशा नीचे जाती है, बट अगर मैंने यहां पर बॉल रखी है तो वो कभी ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना.
जो ऊपर वाली बॉल है जो आपने यहाँ पर रखी हुई है इट ऑलवेज मूव डाउनवर्ड्स बट दिस बॉल दैट इज केप्ट हेयर इट विल नॉट मूव अपवर्ड. नाउ व्हाट इज द रीजन हेयर. यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. व्हेन इट इज मूविंग डाउन इट इज लूजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज कमिंग टू रेस्ट. ओके, तो मिनिमम एनर्जी और ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो एक्वायर कर लेगा. At this point, the ball is already having the minimum energy and maximum stability. So that's why ये phenomena जो है यहाँ से ऊपर जाने का वो नहीं होता है, but ऊपर से नीचे जाने वाला जो phenomena है that will always be spontaneous. Okay, this is the first factor. Now the second factor for the driving force is the randomness or disorder. The second factor is randomness or disorder. Randomness क्या होता है और disorder का मतलब क्या है कि कुछ भी चीजें order में नहीं है. Scattered, scattering of the things, that is known as disorder. Okay? अब ये concept हम कैसे समझते हैं. See, when we talk about the concept of kinetic energy and temperature, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे ही हम temperature increase करते हैं तो kinetic energy भी जो है वो बढ़ जाती है. That means जो particles हैं उनका movement, free movement जो है वो increase हो जाती है. Okay, particles they can move freely in all the direction. Now this is actually creating a randomness. वो रेंडमली अपने पोजीशंस में मूव कर रहे हैं, एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग डिसऑर्डरनेस. और जितनी किसी पार्टिकल की टेंडेंसी होगी टू बी एक्वायरिंग द रेंडमनेस और डिसऑर्डर, ठीक है, उतना ही प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा या उतना ही प्रोसेस जो है वो आपका फीजिबल होगा. Right? So randomness or disorder, they are actually the main factor that bring about the spontaneity of the process. Okay? जैसे मैंने अभी आपको बॉल की एग्जाम्पल दी. अब बॉल के पार्टिकल्स में जितनी टेंडेंसी होगी जल्दी मूव करने की उतना ही बॉल जो है वो नीचे जल्दी आएगी. Okay? So this is the thing of randomness and disorder that actually depend on the particles. कि particles का motion कैसा है. अगर वो ज्यादा scattered हैं, okay, then that makes your process more feasible. Is this clear? So there are two factors on which this driving force it depends on. It depends on the energy factor and it depends on the arrangement, scatterness of these particles. Okay, is this clear? Haan ji, clear hai beta? राइट. चलिए नेक्स्ट. अब रैंडमनेस से ही, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर. तो ये पार्टिकल्स के अंदर जो एक टेंडेंसी है एक डिसऑर्डर क्रिएट करने की, डिसऑर्डरली मूव करने की, ओके, दिस इज एक्चुअली अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी. दिस इज अ न्यू थर्मोडायनामिक क्वांटिटी that we called as entropy. Entropy, it basically represents the amount of randomness or disorder or degree of randomness or disorder that is present in the system. Okay, कितना आपका system जो है वो random है, उसमें randomness है, disorder arrangement है. Okay, that is called as entropy, and the change in entropy will be entropy of the products minus entropy of the reactants. So that will show the entropy change. Right? Or agar main heat energies ki baat karun that are actually done at constant temperature and constant volume. Agar aapko yaad ho, enthalpy mein humne ye expression kiya tha, H is equal to U plus PV. We have done this expression for the enthalpy change. ओके, अब अगर मैं जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रही हूं, सो दिस फैक्टर इट विल नॉट चेंज. ओके, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल कंडीशंस पे हम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा डेल्टा एच है दैट विल बी इक्वल टू क्यू और यू. ओके, सो यू और क्यू के इक्वल आ जाएगा. राइट, नाउ एंट्रोपी डेल्टा एस
इट इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय सी. तो हीट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, राइट. सो इफ द प्रोसेस इज डन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर, सो कैन आई राइट डेल्टा एस. यहाँ पर क्या मैं क्यू की जगह डेल्टा एच पुट कर सकती हूँ, सो आई एम पुटिंग डेल्टा एच अपॉन सी. सो दिस कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा एच. ओके, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. नाउ द चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली अ स्टेट फंक्शन. अगेन हम पढ़ के आए अभी तक, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सारे जो है दे आर द स्टेट फंक्शन. दैट मीन्स एंट्रोपी भी जो है वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है. ओके, अब वो पाथ जो है वो कैसे अचीव किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बाय विच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इट चेंजेस. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले मैंने उसको इतनी वॉल्यूम में रखा है सिस्टम को, मॉलिक्यूल्स को. Now I have increased the volume like this. Okay? So what do you think ki entropy, jo randomness hai, particles ka random motion hai, kya wo increase hoga ya decrease hoga with the increase in the volume? Yes. The particle motion, the entropy, it will increase or decrease with the change in the volume. With the increase in volume, entropy badhegi ya kam hogi? Yes. Anyone? इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब पार्टिकल को ज्यादा जो है वो स्पेस मिल रही है कवर करने के लिए. ओके, तो पार्टिकल का जो रैंडम मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. इसको आप ऐसे लो ना, आपको एक स्मॉल रूम में खेलने को मिल रहा है. ओके, एक स्मॉल रूम में खेलने को मिल रहा है और एक बड़े रूम में खेलने को मिल रहा है, तो किसमें आप इजिली जो है वो प्ले कर सकते हो. ओके, द वन विच इज हैविंग मोर वॉल्यूम. सो ज्यादा स्कैटरिंग आपकी किसमें होगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा है. अगर बड़ा रूम है तो आप ज्यादा स्कैटर होंगे, अगर रूम छोटा है तो आप कम स्कैटर करोगे उसमें. ओके, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम इट विल इंक्रीज एंट्रोपी. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? रैंडमनेस, द स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स. यस, इंक्रीज होगी, वेरी गुड. सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी भी जो है वो बढ़ जाएगी. थर्ड फैक्टर इज स्टेट. आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किस में एंट्रोपी ज्यादा होगी, किस स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा होगी, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की? द एंट्रोपी ऑफ विच स्टेट विल बी हाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस? सो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी, राइट. ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कि पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज करने से एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? रैंडम मोशन देखना है आपने, हमने रैंडम मोशन को बढ़ाना है, डिसऑर्डरनेस. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दोगे तो क्या एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी? यस, वेरी गुड. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी. इसको आप ऐसे देख सकते हो, सपोज आपने आपकी जो स्ट्रेंथ है 47, 48, सारे बच्चों को एक क्लास में इकट्ठा कर दिया, तो शोर ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इधर उधर भागेंगे. ओके, अगर आपने एक क्लास में सिर्फ 5 बच्चों को रखा हुआ है, ओके, तो रैंडमनेस, जो इधर उधर भागने की टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी. वो 5 बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ इतना शोर तो करेंगे नहीं, दे विल सिट क्वाइटली. ओके, सो दिस फैक्टर यू कैन सी लाइक दिस. तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्लास में शोर होगा, उतना ही जो स्टूडेंट्स है वो इधर उधर घूमेंगे. ओके, सो द मोर विल बी एंट्रोपी. डिसऑर्डर देखना है हमने, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द ऑर्डर्ड पार्ट, वी आर कंसर्न्ड विद द डिसऑर्डर पार्ट, राइट.
नाउ इन द सेम कंटेक्स्ट आई विल बी आस्किंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. आपने ये बताना है कि उस स्टेट में जो एंट्रोपी है वो कम होगी या ज्यादा होगी. ओके ओके द फर्स्ट केस इज यू हैव टू टेल. आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल जिसमें मैं एग्जांपल लिखूंगी कि ये सिस्टम में चेंज हो रहा है. आफ्टर द चेंज आपने ये बताना है कि उस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कम होगी कि ज्यादा होगी. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज water from liquid to solid. water from liquid to solid, इसकी entropy कम होगी कि ज्यादा होगी? entropy will be less. okay, I'm going to unmute you. अगर आपने answers देने हैं तो आप दे सकते हो साथ में. okay, आपने अपने आप को unmute कर लेना if you want to give the answer. right, stretched rubber band to loose rubber band. आपके पास rubber band है जो कि पहले stretched था, अब आपने उसको लूज कर दिया है. यस, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी विल इंक्रीज और एंट्रोपी विल डिक्रीज. यस, इट इज हैविंग मोर एंट्रोपी क्योंकि पहले स्ट्रेच्ड था, वॉल्यूम कम थी, अब आपने उसको लूज कर दिया तो उसको वॉल्यूम जो है वो ज्यादा मिली है स्कैटर करने के लिए. सो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. ड्राई आइस टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैशियस स्टेट. Will the entropy increase or decrease? More. Very good. अच्छा अब इसका बताओ. हाँ जी इसका बताइए बेटा. अब क्रोमियम और वाटर जो है वो मिलके अब वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं क्रोमियम वाटर का, क्रोमियम हेक्सा वाटर. The entropy of the system will increase or decrease. Dry ice, solid state है, carbon dioxide थी, तो वो solid से gas में जा रहा है, तो आपको पता है कि gas की entropy ज़्यादा है, तो इसलिए entropy इस system की increase होगी. What about this? पहले दोनों free थे. Yes, the system will have less entropy. पहले दोनों free थे, बाद में उन्होंने एक complex बना दिया है जिसमें उनको जुड़ के रहना पड़ेगा. The complex formation is there in which they both have to combine. So the combination, it brings the ordered arrangement. Disorderness कम हो गई है, इसलिए entropy जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Okay? Proteins, helical form से random form में. Proteins का structure helical form से random coil form. Will the entropy of the system increase or decrease? Yes. Increases the entropy. Again, randomness लिखा हुआ मैंने, random coil structure है. Natural egg to hard boiled egg. आपके पास एक natural egg है और एक hard boiled egg है. किसकी entropy है? इस system की entropy जो है वो increase होगी या decrease? आपने हार्ड बॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर दिया है नेचुरल एग को. यस, द एंट्रोपी विल डिक्रीज. ओके राइट, तो हमने ऐसे जो है वो एंट्रोपी के केसेस डिस्कस करने हैं. सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द गिब्स एनर्जी चेंज नाउ. ओके.